यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। समाज के किसी भी वर्ग, व्यक्ति, जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हाँ, एक उद्देश्य जरूर है कि आप सभी खूब हंसें और अपनी बातों से अपनों और दूसरों को भी खूब हंसाएं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में, जिसका नाम है बात बेकार की। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो शख्सियत मौजूद है वे यूं तो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन उधार मांगने में उनका कोई जवाब नहीं है। तो आइए, दिल पर पत्थर रखकर स्वागत करते हैं हमारे आज के उधार एक्सपर्ट मंगल लाल मनमोह जी का। आज हम उनसे जानेंगे कि हम किसी से आसानी से उधार कैसे ले सकते हैं। तो कभी आपने किसी से उधार लिया है? खैर छोड़िए, अगर आप इस बात का जवाब दे देंगी तो मुझे यहाँ बुलाने का क्या फायदा? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें तो आपको कार्यक्रम में बुलाने के पैसे ही वसूलने हैं। हम भी तो यहाँ पैसे के लिए ही आए हैं। तो ठीक है मंगतलाल जी, हमें बताइए कि उधार मांगने के बेजोड़ तरीके क्या हैं? देखिए मैडम, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। कैसे? देखिए, अगर हम उधार में से ऊ हटा दें तो क्या बचेगा? धार। तो हमें उधार मांगने के लिए धारदार तरीके से ही सोचना पड़ता है। अरे वही धारदार तरीका तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा उधार मांगने के अचूक तरीके। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिससे आप उधार मांग रहे हैं उस व्यक्ति का मूड कैसा है। लेकिन सामने वाले के मूड के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? उधार कभी भी सुबह, दोपहर और शाम के वक्त नहीं मांगना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि रात के वक्त उधार मांगने के लिए जाना चाहिए? अरे नहीं नहीं मैडम, हमें तो उधार तब मांगना चाहिए जब सुबह खत्म होने वाली हो, दोपहर शुरू होने वाली हो और शाम और रात के बीच का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है उधार मांगने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें उधार मांगना क्या क्या चाहिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए, जिससे आप उधार मांगने जा रहे हैं उसकी आपको आर्थिक स्थिति जरूर पता होनी चाहिए। मतलब ये कि आपने किसी से उधार लिया और उसने आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर उधार भी दे दिया, पर बाद में वो आपको उसने आपको खूब कोसा, मन ही मन रोया, और ऐसे आदमी से उधार लेने का फायदा ही क्या? अबे अपनी कंडीशन तो देख, उधार की कमाई पर रोजी रोटी चलाने वाले। सर आप तो वाकई एक्सपर्ट हैं। उधार देने वाले के दर्द को भी कितने करीब से समझाया आपने। बस जी बस, आप जैसे लोगों की दुआएं हैं, वरना जन्म से कोई थोड़ी ही एक्सपर्ट होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरा बस चले तो उधार मांगने वालों का गला ही घोट दूं। हाँ मैडम, मैं आपको एक और पते की बात बताता हूँ जो मुझे अभी अभी याद आई है। जी जी जरूर। देखिए, हमें उधार मांगते वक्त ऐसा चेहरा बनाना चाहिए जिससे कि उधार देने वाले को ज्यादा सोचना ना पड़े। जरा ठीक से समझाइए सर। सीधी सी बात है, अगर उधार मांगते वक्त आपके चेहरे पर हंसी या मुस्कुराहट जैसी कोई चीज सामने आई तो उधार देने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप उसके पैसे लौटाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसी स्थिति में उधार देने वाला तुरंत अलर्ट हो जाएगा और हो सकता है कि वो आपको उधार ना भी दे। वाह सर क्या बात है, आज पहली बार किसी एक्सपर्ट के पैर छूने का मन कर रहा है। जी। तो आज हमारे साथ थे उधार मांगने के अचूक तरीके सिखाने वाले उधार एक्सपर्ट मंगत लाल मनमोजी जी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शकों ने उधार मांगने के तरीकों को सीख लिया होगा और आज से आप भी बेझिझक और बेशरम होकर उधार मांग सकते हैं। कार्यक्रम का समय तो खत्म हो गया है मगर उधार लेने वाले उधार एक्सपर्ट अभी भी जिंदा हैं। क्या मतलब आपका? क्या मतलब, छोड़िए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। नमस्ते।